दिल्ली के लॉरेंस रोड केशवपुरम में सुखधाम गैस एजेंसी गैस चोरी का धंधा लगातार खूब चल रहा है। कई शिकायत के बाद भी इंडियन ऑयल अधिकारी मेहरबान है। आखिर इन गैस एजेंसी मालिक पर इंडियन ऑयल के अधिकारी मेहरबान क्यों हैं? चोरी करवाने में इंडियन ऑयल के अधिकारी का भी हाथ है क्या? लगातार महंगाई के बीच सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। गैस एजेंसी माफिया लगातार गैस चोरी का धंधा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार गैस चोरी की कई शिकायतें आ गई, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी आंख मूंद कर सो रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मालिक और अधिकारी की मिलीभगत जनता को धोखा दिया जा रहा है। इतने बड़े पैमाने पर गैस चोरी का धंधा लगातार चल रहा है। सर्दी के मौसम में गैस माफिया और बढ़ चढ़कर गैस चोरी करने का धंधा लगातार अपना रहे हैं, लेकिन अधिकारी से लेकर गैस एजेंसी मालिक तक कान में तेल डालकर सो रहे हैं। जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, लेकिन मंत्री जी का ध्यान कहाँ है? सिर्फ अधिकारी बैठकर अपना पैसा ले रहा है और उसके बाद चंद के रूप में हर गैस एजेंसी से उगाही हो रही है। गैस पेट्रोलियम मंत्रालय ध्यान दे, चोरी करने वाले गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। एजेंसी पर ताला लगाने की जरूरत है। सुखधाम गैस एजेंसी में गोदाम के अंदर चोरी का धंधा खूब चल रहा है एवं सप्लायर द्वारा मार्केट में भी चोरी कर जनता को गैस सप्लाई किया जाता है। सबका जिम्मेदार सरकार से लेकर प्रशासन तक जिम्मेदार है। गैस चोरी माफिया का चांदी कट रही है और वही जनता बीच में पीसने को तैयार है। खैर, अब देखना ये होगा कि इंडियन ऑयल के अधिकारी जागते हैं या फिर नहीं। माफिया पर आखिर कार्यवाही कब तक होती है? सुखधाम गैस एजेंसी पर ताला लगाने की जरूरत सरकार कब उठाती है? कई शिकायतों के बाद भी सुखधाम गैस एजेंसी पर कार्यवाही नहीं की गई। इंडियन ऑयल की मिलीभगत से अधिकारी मौज उड़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार में इंडियन ऑयल के अधिकारी जल्द गैस एजेंसी पर सख्त कार्यवाही करें।